फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैंगो फिरनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 600 ml दूध लिया है और ये दो आम लिए हैं। आप कोई भी आम ले सकते हैं, दशहरी या कोई भी, बस उसमें रेशे नहीं होने चाहिए। और इसके लिए मैंने हाफ बाउल चीनी ली है, इलायची पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स, और ये मैंने 1/4 कटोरी चावल लिया है। इसको मैंने एक घंटे पहले भिगो दिया था, साफ़ करके अच्छे से और भिगो दिया था। तो अब हम इसको पीस लेंगे और ये मैंगो की प्यूरी बना लेंगे। और इसका पानी हटा के थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, पानी या दूध कुछ भी डाल सकते हैं, और इन दोनों को पीस लेंगे। तो इसको हम जार में ले लेंगे और अच्छे से एकदम इसका महीन पेस्ट बनाना है। आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो अभी हम इन दोनों चीज़ों को पीस के लाते हैं। तो देखिए, दोनों चीज़ों को मैंने पीस लिया है और दूध को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। अभी एक पैन में मैंने मैंगो प्यूरी निकाल लिया है और इसमें हम एक चम्मच चीनी डाल के इसको थोड़ा सा थिक करेंगे। तो ये दूसरे गैस पे मैं चढ़ा देती हूँ। इधर मैंने दूध चढ़ाया है, दूध भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो दूध हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। और ये जो हमने चावल पीसा है, चावल को हम धीरे धीरे इसमें डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे। इसको ऐसे सारा डाल के और चलाते रहना है, वरना ये नीचे पकड़ लेगा। तो इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे और इसमें चीनी भी डाल देंगे अब। तो ये देखिए ठीक होने लगा है। फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसको चलाते हुए ऐसे पकाते रहेंगे। और दूसरे साइड में हमको मैंगो का भी ध्यान रखना है, वरना ये भी इसमें चिपक जाएगी। तो इसको हमको थोड़ा सा गाढ़ा करना है, इसको भी स्लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। दोनों चीज़ों को चलाते रहेंगे, ध्यान रखेंगे दोनों चीज़ों का। तो मैंगो हमारा हो गया, इसको मैंने 2 मिनट पकाया है। इसको हटा लेंगे, वरना इसमें रखे रहेंगे तो जल जाएगा। तो फिरनी देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। इसको इतना गाढ़ा होना चाहिए कि हम ऐसे डालें तो ये रुक रुक के गिरे। अभी हम इसको और भी पकाएंगे। और चावल डालते समय हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें लम्स ना पड़े। चावल जब डालेंगे तो तुरंत इसको चलाते रहेंगे, अगर लम्स पड़ने लगे तो विस्कर की मदद से हम इसको विस्क कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और थोड़े गार्निश के लिए रख लेंगे। इसको मिक्स कर देंगे। फ्लेम को मीडियम टू स्लो ही रखना है, तेज़ नहीं करना है, वरना हमारी फिरनी जल जाएगी। अब ये देखिए हमारी फिरनी बनकर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये ऐसे रुक रुक के गिरनी चाहिए। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। इसमें हम थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे और फिर सर्व करेंगे। केवड़ा ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें। तो इसको सर्व करने के लिए देखिए मैंने कई तरह की चीज़ें ली है। एक बाउल लिया है और छोटे छोटे ग्लास लिए हैं, और ये मिट्टी के सकोरे हैं, इनको हमने धो के और सुखा लिया है। तो अब हम इसमें सर्व करेंगे। पहले हम फिरनी को ऐसे ग्लास में डालेंगे इस तरह से तिरछा करके, और ऐसे डालेंगे इसको इस तरह से, ऐसे अभी तिरछा करके ऐसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ऐसे हम इसमें सकोरों में भी ऐसे डाल देंगे। और ये बाउल में, भी हम पहले हम मैंगो पल्प डाल दे रहे हैं, फिर फिरनी हम ऊपर डालेंगे। तो इसमें हम मैंगो पल्प ऐसे डाल देंगे और ऊपर से इसमें फिरनी डालेंगे। ऐसे आराम से चारों तरफ, देखने में ये सुंदर लगेगा। अभी साइड से देखेंगे जब, ये देखिए इसमें। और थोड़ा सा और ऊपर डालना चाहें मैंगो पल्प तो ऊपर भी डाल सकते हैं। अब ये जो मैंने ग्लास में डाला था इसमें ऊपर डालेंगे, इसमें ऐसे आराम से डालेंगे। मैंगो पल्प और फिरनी को हम मिक्स करके भी सर्व कर सकते हैं, और इस तरह भी, और ये सकोरों में भी थोड़ा सा ऐसे ऊपर से, और फिर हम इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। देखिए हमारी मैंगो फिरनी बनकर तैयार है, कितनी सुंदर लग रही है। इसको देखिए ये साइडों से,
तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।